हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जतिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द अवधूत आनंद। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कड़वा है, पर सच कड़वा ही होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद भी ना आए, क्योंकि आज का वीडियो शायद आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि ऐसे बहुत से काम जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, क्या वो सही हैं। कल रात मुझे अपने एक सब्सक्राइबर का कॉल आया, शायद उनको मेरे वीडियोस पसंद आए थे और वो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल किया। हालांकि उनसे बात हो गई, डिस्कशन हो गया, लेकिन उनकी कुछ कही हुई बातें थीं जो मेरे जहन में घूमती रहीं और जिन्होंने मुझे कल रात सोने नहीं दिया। और उसी चीज़ से दुखी होकर उनकी कुछ बातें थीं जिनको सोचकर मेरे मानस पटल पे बहुत से चित्र उभर के आने लगे। और उसी ऊहापोह की स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कड़वे सच भी सामने लाए जाएं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी कोशिश पसंद आए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। कुछ साल पहले की बात है, ऑफिस में एक प्रमोशन के लिए इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। मन बहुत दुखी था। दिन का वक्त था, सोचा मंदिर चलूं, शायद वहां शांति प्राप्त होगी। और यही सोच के मैं घर के पास में एक मंदिर था जहां मैं गया। मध्याह्न आरती का समय था। जैसे मैं मंदिर पहुंचा तो बहुत ही अच्छा संगीत बज रहा था, लोग नृत्य कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। पर मेरे मन का कौतूहल, जो मेरे मन के अंदर की प्रॉब्लम थी, शायद उसे कहीं की ठिकाना नहीं मिल रहा था। कुछ देर मैं खड़ा रहा और मुझे परेशान देख के शायद पास में खड़े एक इंसान ने मुझे कहा कि बेटा, भजन हो रहे हैं, तुम भी ताली बजाओ और आनंद लो। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर तक मैंने भी ताली बजाई और ये अनुभव करने का प्रयास किया कि क्या मुझे इससे शांति प्राप्त हो रही है। आसपास खड़े प्रत्येक मनुष्य को मैं काफी खुश पा रहा था, काफी प्रसन्नचित पा रहा था, जो कि अच्छी बात है, हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन यह प्रश्न मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि मंदिर में आने के बाद, जहां ईश्वर का वास है, मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। और जब इतने लोग खुश हैं तो फिर मैं क्यों नहीं खुश हूं? मैं भी तो ताली बजा रहा हूं, मैं भी भजन गा रहा हूं और मैं भी उस पराशक्ति की शरण में हूं जिसमें सब हैं। फिर मैं मंदिर से बाहर आ गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के मैंने अपनी चेतना से ये कहा कि या तो मैं मूर्ख हूं या फिर ये सब लोग, क्योंकि मैं अपने जीवन के सत्य को, जो भी मेरी परेशानियां हैं, अगर उनको भुलाकर सुख का चयन नहीं कर पा रहा हूं, अगर सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो या तो मैं मूर्ख हूं, और अगर बाकी लोग जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे, लेकिन अगर वो उन सबको भुला के और झूठ मूठ की खुशी का आनंद ले रहे हैं, तो या तो फिर ये मूर्ख हैं। दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस में आकर हमें अंधेरों की गहराइयों से निकालकर ट्रुथ के या सत्य के दर्शन करा देते हैं। और मेरी जिंदगी में यही एक ऐसा प्रश्न था। उसी वक्त मुझे अपने बचपन की एक स्मृति, एक मेमोरी रिकॉल हुई। होली का दिन था, मेरी उम्र लगभग 6 से 7 साल की थी और मैं भी त्योहार के उत्साह में काफी खुश था। सुबह से ही घर में खुशी का माहौल था, पकवान बन रहे थे और हम बस रंग गुलाल खेलने के लिए तैयारी हो रहे थे। तभी मैंने अपने घर की खिड़की से झांक कर बाहर देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति नशे में चूर होके रंग और गुलाल खेल रहा है। वो बहुत प्रसन्नचित था। He was immensely happy। उम्र छोटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन को ये चित्र भा नहीं रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति को मैं जानता था। उसके जीवन में रंगों के लिए तो कहीं भी कोई स्थान रिक्त नहीं था। नशे में चूर होकर अपने परिवार की सैकड़ों जिम्मेदारियों को लेकर और ना जाने कितना ही कर्ज लेकर
वो बस नाचा जा रहा था। मैं त्योहारों के खिलाफ नहीं हूं या किसी परेशान आदमी को खुश देख के परेशान होने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन कटु सत्य ये है, द बिटर ट्रुथ इज दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट आवर रियलिटी। हम अपने सत्य को अस्वीकृत करके झूठ मूठ का जो दुनिया का बनाया जाल है उसमें अपने आप को फंसा लेते हैं और फिर झूठ मूठ की खुशी को प्राप्त कर सोचते हैं कि हमने जीवन में आनंद हासिल किया है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि हम अपने जीवन की परेशानियों से और चिंताओं से दूर भागते हैं जबकि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, यही हमारा कर्म बंधन है और जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, यह संसार दुखालय है और अगर हमें जीवन और मृत्यु के बंधन को तोड़कर यहां से मुक्त होना है तो फिर हमें अपने कर्म बंधन को स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उससे पीछा छुड़ाना चाहिए। दोस्तों, ये उसी तरह है कि मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप उस दर्द से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ पल भर के लिए पेन किलर का सहारा ले रहे हैं और जैसे ही आप पेन किलर लेते हैं वो तकलीफ आपकी कुछ देर के लिए उस झूठ मूठ के पेन किलर से आपको राहत देती है और आप सोचते हैं कि आप फिर से स्वस्थ हो गए हैं, जबकि वह पेन किलर आपकी परेशानी की जड़ पर जाके तो काम करती ही नहीं है, वो सिर्फ आपको नशे में चूर कर देती है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। और यही हम अपने साथ कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के सहारे लेते हैं हम, कोई नशे का सहारा लेता है, कोई त्योहारों का, कोई शादियों का, कोई परिवार का, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सत्य से दूर भाग रहा है। दोस्तों, परेशानियां तो मीराबाई के जीवन में भी थी, उनकी जिंदगी क्या हमसे बहुत अच्छी थी? लेकिन प्रसन्न वो भी थी, कैसे? अपने सत्य से दूर भाग के नहीं, अपने सत्य को स्वीकार करके। परेशान तो भक्त प्रहलाद भी थे। आप सोच के देखिए कि अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी परेशानियों को उनकी परेशानियों से तो आप पाएंगे कि उनके आगे हमारी परेशानियां कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने किसी भी झूठ मूठ के सहारे का अनुसरण किया? और नहीं किया, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो गए। उदाहरण बहुत से हैं दोस्तों, संत एकनाथ का उदाहरण ले लीजिए। जीवन में वह भी बहुत परेशान थे, दरिद्र थे, किंतु वो कहीं भी झूठ मूठ के सहारों को लेते हुए भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने। और यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आप सच्चे अध्यात्म का अनुसरण करना चाहते हैं तो झूठ मूठ के सहारों को छोड़िए, अपने जीवन के सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप अपने जीवन से परेशान होंगे और उसको स्वीकार करेंगे तभी आपको इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर ये विचार सिर्फ मेरा होता तो कहीं ना कहीं फिर भी मेरे लिए भ्रम की जगह रह जाती, किंतु आचार्य रजनीश ने भी यही बात कही है कि व्यक्ति को खुद को खोजना चाहिए, ना कि ऐसे किसी माध्यम को जिसे पाकर हम खुद को भूल जाएं। संत श्री मुरारी बापू के वचनों को माने तो समाज को सुधार की नहीं स्वीकार की जरूरत है, पर हम कर क्या रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधारने में लगा है। किसी को लगता है कि अगर मैं परेशान हूं तो मुझे मेडिटेशन कर लेना चाहिए, किसी को लगता है कि अगर बहुत स्ट्रेस है तो शायद मुझे शराब पी लेनी चाहिए। ये सब सुधारने के तरीके हैं। आप सुधारना चाहते क्यों हैं? आप स्वीकार करें। मेरा मानना यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म बंधन से, अपनी नियति से, अपने भाग्य से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। और कैसे हम इस बंधन से मुक्त हो सकें, इस सोच के साथ हमें कर्मशील रहना चाहिए और तभी हमारी गति संभव है। और यही फर्क है सुख और आनंद में। खुद को भुलाकर, अंधेरों की गहराइयों में डूबकर हमारी चेतना का दिया जो जल रहा है, जो हमें सत्य से अवगत कराता है, जो हमें यह बताता है कि जीवन सुख नहीं दुख का नाम है, यह कर्म बंधन है, असली सुख तो इससे मुक्त होकर प्राप्त होगा। हम कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए ये जो क्षण भंगुर, ये जो नश्वर सहारे हैं, उनसे उस ज्योत को बुझा देते हैं,
यद्यपि हमें इस दिए को परम सूर्य में परिवर्तित करना है, और जब यह दिया परम सूर्य में परिवर्तित हो जाएगा तो सभी अंधकार भाग छूटेंगे और आप आनंद का अनुभव करेंगे। और यही फर्क है सुख और आनंद में। खूब त्योहार मनाएं, सबकी खुशी में खुश हों, यही मानव जीवन है और यही सत्य है। किंतु अपने जीवन से पीछे छुड़ा के नहीं, अपने सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि अपने जीवन की सच्चाई से पीछे छुड़ाना तो खुद से छल है। और अपने नियति को, अपने कर्म बंधन को, अपने जीवन को स्वीकार करके इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मशील होना ही अध्यात्म है। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूं, क्योंकि इस विचार में संशय का बहुत बड़ा स्थान है। शायद बहुत से लोग होंगे जिनको मेरा ये विचार पसंद ना आए, क्योंकि ये सत्य है और सत्य कड़वा होता है। अब आप बताइए कि क्या मेरा विचार सही है या गलत है। प्लीज शेयर योर थॉट्स विद मी बाय राइटिंग द कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। इसी विचार के साथ आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।